प्रिय दर्शक बंधु, आप सबको मेरी चैनल पर स्वागत है। चांदीपुर घूमने के बाद हम लोग चांदीपुर से 2 किलोमीटर दूरी पर बलरामगढ़ी के तरफ चले। बलरामगढ़ी ओडिशा में एक बहुत ही फेमस जगह है। वहाँ पर फिशिंग सेंटर के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको फिशिंग के लिए बहुत सारे बोट भी देखने के लिए मिलेगा, जिस स्पॉट में लोग जाते हैं समुंदर के अंदर फिशिंग के लिए। और उसके अलावा वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कृष्ण जी का मंदिर है, इसके लिए भी वहाँ पर फेमस है। ये है बलरामगढ़ी का मुहाण, जहाँ पर बहुत सारे फिशिंग के जो बोट है वो सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि हम लोग उतर के और यहाँ पर ज़्यादातर रुके नहीं, हम लोग गाड़ी में ही ये देखे क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, शाम हो रहा था। तो ये सुंदर नज़ारा आप बलरामगढ़ी के मुहाण पर देख सकते हैं। जब कृष्ण जी के मंदिर पर हम लोग पहुँचे तो हल्का हल्का शाम हो गया था। शाम के समय का ये नज़ारा है मंदिर का, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, इस वजह से मंदिर के अंदर कोई भी भक्त को जाने नहीं दे रहे हैं, बस आप मंदिर के बाहर ही घूम सकते हैं। और मंदिर का बाहर इतना सुंदर कारुकार्य किया गया है। अभी शाम हो गया था तो ठीक से मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं शूटिंग कर पाई, तो जितना भी कर पाई ये लाइटिंग और बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, लेकिन एक चीज़ का मन में थोड़ा सा अफसोस रह गया कि हम लोग मंदिर के अंदर एंट्री नहीं कर पाए। और बाहर से आप देख सकते हैं मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है। मंदिर के साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पॉन्ड है और यहाँ पर बोटिंग का भी सुविधा है। आप चाहो तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है पॉन्ड में ये रंग बिरंगे मछलियाँ। यहाँ पर मछलियाँ को दाना दिया जाता है तो वो लोग खाने के लिए आते हैं इस तरह से किनारे में, और बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर जो मछलियों को खाना आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर पैकेट मिलता है, तो वो पैकेट में जो भी उन लोग के लिए खाना है आप वो दे के फिश को वहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको आने में देखने के लिए मिलेगा ये एक छोटा सा जू टाइप है। यहाँ पर आप रेबिट पार्क इसको बोलते हैं, वेराइटीज ऑफ बहुत सारे रेबिट यहाँ पर है। रेबिट हमेशा यहाँ पर खेलते रहते हैं, इस तरह का नज़ारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ अंदर जाने के लिए 10 रुपीज़ करके पर हेड एंट्री फी है, तो आप इसके अंदर भी जाके नज़ारा और भी करीब से इन लोगों को आप देख सकते हैं, रेबिट के साथ खेल सकते हैं। तो रेबिट के साथ साथ यहाँ पर ये जो दो बाड़ दिख रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर कुछ बाड़ भी है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है इन लोग का नाम क्या है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। तो अगर आप बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं तो एंजॉय करने के लिए उनको बहुत ही अच्छा है यहाँ पर ये सारे बाड़ और जो रेबिट है उन लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आप ये देख सकते हैं पॉन्ड है, और पॉन्ड के साइड में एक होटल है, होटल के सामने मंदिर है। होटल यहाँ पर व्यवस्था है, कोई भी अगर आए टूरिस्ट यहाँ पर रहने की सुविधा है, बट अभी मुझे पता नहीं है कोरोना के टाइम पर यहाँ पर होटल का सुविधा है या नहीं, बट ये होटल इस वजह से है। और जो पॉन्ड है, पॉन्ड के चारों तरफ ये नारियल का पेड़ इसका शोभा और बढ़ा रहा है। तो इस तरह का सुंदर नज़ारा आप यहाँ आने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चे अंदर गए और हम लोग बड़े लोग यहाँ बाहर से ही रेबिट और ये भी जो भी नज़ारा है बाहर से हम लोग ने एंजॉय किया, क्योंकि मुझे इच्छा नहीं था अंदर जाने के लिए। तो लोग बच्चे और उनके अंकल के साथ अंदर गए और थोड़ा सा साइमन और उसके भाई खेल के आए।
रैबिट पार्क के साथ साथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा चिल्ड्रेन पार्क, जहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज का झूला है। शाम का समय हो, रंग बिरंगे झूला और उसके ऊपर ये सारे लाइट, शाम का नज़ारा ही कुछ और ही हो गया। देखकर पूरा मन हमारा खुश हो गया और साथ में बैठे तो उनको एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। तो इस मौका को कौन हाथ से जाने देगा, तो बच्चे भी यहाँ पर बहुत एंजॉय किए। घूमना फिरना हो गया, अब था बारी शाम का पेट पूजा का समय। और शाम का समय हो, गुलगप्पा वाला का गाड़ी सामने हो तो कौन रुकेगा। दही वड़ा, गुलगप्पा, तो इन सारे चीज़ों का हम लोग ने खूब अच्छे से इसका लुत्फ़ उठाया। हम ओडिशा के लोग तो खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं और शाम का समय अगर बाहर गुलगप्पा और दही वड़ा दिखे तो खुद को कौन रोक पाएगा। तो इन सारे चीज़ों का हम लोगों ने मज़ा लिया। घूमना फिरना खाना पीने के बाद समय हो गया था घर लौटने का। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ अभी एक लाइक दे दीजिए, कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट लिख दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। फिर मिलेंगे और एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।